हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में प्राइस एनालिसिस रिपोर्ट निकल के आई है बिटकॉइन, इथरम, बिटकॉइन कैश, रिपेल और लेटकॉइन की। दोस्तों, बिटकॉइन कैश को अभी हम लाइव चार्ट पर भी देखेंगे, क्योंकि बिटकॉइन कैश के ऊपर मैंने एक चार्ट पब्लिश किया हुआ है सुबह, उसको समझा देता हूं। और भी बहुत सारी बातें दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहिए। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में बिटकॉइन का प्राइस देखेंगे, इस साल के एंड तक कितना अप डाउन जा सकता है। एक बार चलते हैं दोस्तों कॉइन टेलीग्राफ की तरफ, जहां पर ये प्राइस एनालिसिस रिपोर्ट निकल के आई है। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, ये मेरी एनालिसिस रिपोर्ट नहीं है, ये मार्केट में जो एनालिसिस्ट है दोस्तों, उन्होंने पब्लिश किया है। यहां पर चार्ट भी पब्लिश किया है। और यहां पर देखिए, सबसे पहले BTC USDT के ऊपर है। और दोस्तों, यहां पर 8000 पे एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, उसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हो चुका है। अब ये हमारे लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल रहेगा अभी के लिए। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, नेगेटिव डाइवर्जेंस मिला हुआ है, लेकिन इससे अभी तक इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा दोस्तों, ठीक है। अभी जो है नीचे आने के जो चांसेस है दोस्तों, पहले तो 8000 के लेवल को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों 77 तक नीचे आ सकता है अभी के लिए, लेकिन नीचे आने के बहुत कम चांसेस है। और जो ऊपर जाने के चांसेस है दोस्तों, वो है सबसे पहले 85। मैंने पिछली वीडियो में आपको जब लाइव चार्ट ड्रॉ करके दिखाया था बिटकॉइन का, वहां पर बताया था कि 85 का जो हमारा ऊपर का टारगेट रहेगा। अभी भी चार्ट है दोस्तों, हमारे जो है ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में आ सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं। और दोस्तों, 85 को अगर क्रॉस कर गया मार्केट, उसके बाद दोस्तों 9000 पे एक हमारा जो है रेजिस्टेंस लेवल है, उसको भी ब्रेक कर गया तो लगभग 10000 तक जा सकता है बिटकॉइन का रेट, ठीक है। अभी बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में कि कितना जा सकता है और क्यों जा सकता है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखते रहिए। और दोस्तों, यहां पर देखिए दूसरा है ETH USDT के ऊपर। ETH का दोस्तों एक यहां पर रेजिस्टेंस लेवल है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों एक कैंडल जो है एक दिन की यहां पर, ठीक है। और यहां पर देखिए दोस्तों, ये RSI जो है ओवर बाउंस जोन में जाने वाला है। और यहां पर देखिए, ये जो लेवल है 360 का, ये अभी तो ऊपर जा चुका है, इसके ऊपर जा चुका है मार्केट। अगर अभी की बात करें दोस्तों, यहां पर इथरम की 382 पे जा चुका है, और इसके ऊपर मार्केट क्लोज हो चुका है। अब का जो टारगेट है दोस्तों हमारा, वो रहेगा 395 से लेकर 421 तक का, ठीक है, जिसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब ये नहीं है कि ऊपर ही जाएगा मार्केट, डाउन भी आ सकता है दोस्तों। अगर डाउन आया तो 330 या 315 तक गिर सकता है दोस्तों, अभी के लिए इससे ज्यादा डाउन नहीं गिरेगा। अभी ज्यादा चांसेस है ऊपर जाए, अभी मार्केट ऊपर जा रहा है दोस्तों। जो ऊपर का है 395 और 421 का, अभी मार्केट में जो एनालिसिस है उनका कहना है, अभी का जो रेट है दोस्तों 382 तो वैसे पहुंच चुका है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों देखिए BCH USDT के ऊपर, BCH USDT के ऊपर मैंने एक चार्ट पब्लिश किया है दोस्तों, आप हमारे ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में जाकर देख सकते हैं, मैंने सुबह पब्लिश कर दिया था। और यहां पर देखिए अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, ये चार्ट मैंने पब्लिश किया, अभी बताता हूं इसके बारे में। और दोस्तों, यहां पर देखिए इन्होंने फिबोनाची डाला हुआ है, और यहां से दोस्तों जो नीचे आया उसके बाद देखिए 23.6 जो परसेंट है रेशियो फिबोनाची का, उससे ऊपर अगर मार्केट गया तो उन्होंने एक लगाया हुआ था कि 1550 तक जाएगा डॉलर में है, और इसके ऊपर मार्केट जा चुका है दोस्तों। ये कल की रिपोर्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए है, और इसके ऊपर मार्केट जा चुका है। जैसे इसके ऊपर गया था, मैंने यहाँ पर ये चार्ट पब्लिश कर दिया, जो पिछला हाई है वो ब्रेक हो चुका है। और दोस्तों, अभी की ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाए। और देखिए, मैंने चार्ट पर ये लेवल नहीं डाला हुआ है दोस्तों, 019 का, ठीक है, ये BTC में, तो ये लेवल डाल लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, मैं डालना भूल गया। उन्होंने एक टारगेट दिया हुआ था यहाँ पर, देख सकते हैं 1550 का, तो ये 1550 का एक हमारा पहला रहेगा। अगर इसके ऊपर भी मार्केट गया तो हमारा इससे ऊपर 0.22, अगर उससे भी ऊपर गया तो दोस्तों ये जो पिछला जो हाई है वहां तक जा सकता है मार्केट। तो अभी जो चांसेस है इसी के बीच में है, आप देख लीजिए दोस्तों, चार्ट मैंने पब्लिश किया हुआ है ट्रेडिंग व्यू में, आकर देख सकते हैं मेरे अकाउंट पे। और यहां पर देखिए दोस्तों, अब यहां तक जो पॉसिबल है मार्केट जाए वो लगभग 1825 और उसके बाद 2000 तक कहा हुआ है। अब देखते हैं जो हमारा फिबोनाची है दोस्तों, वो 2700 लगभग 2800 पर भी है फिबोनाची, इससे ऊपर गया तो लगभग 38.2% में जो ये रहेगा, उसके बाद 50% तक 1800 के लेवल पे, और 61.8 जो गोल्डन रेशियो है दोस्तों, यहाँ तक गया तो लगभग 2700-2800 के बीच में प्राइस रहेगा। तो अभी कम चांसेस है ज़्यादा ऊपर जाने के, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, XRP USDT का बीच में बहुत ही अच्छा प्राइस गया है, और मैंने बताया था आप सभी को, जब ये 0.22 के लेवल को क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाएगा, यहां पर मैंने आप सभी से बाय करने के लिए भी कहा था। आप हमारे अकाउंट पे जाके चार्ट देख सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पे आइए, नीचे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देख लीजिए। और यहां से मार्केट ऊपर गया था, और जो हाई बनाया था दोस्तों लगभग 0.27 तक गया था, ये डॉलर में है रेट। और यहां से दोस्तों, अब ये अभी के लिए स्ट्रांग जो है सपोर्ट बना हुआ है दोस्तों, ये लेवल जो है, ठीक है। अभी चांसेस है कि ज्यादा ऊपर जाए मार्केट, नीचे आने के थोड़े कम चांसेस है
दोस्तों ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस है अभी जो रिपेल का। यहाँ पर देखिए इससे ऊपर गया तो ये 0.245 का, और उससे भी ऊपर गया तो 0.3 का हमारा फाइनली अभी के लिए टारगेट रहेगा, जहां पर हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब ऐसा नहीं कि ऊपर ही जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को अगर इसने ब्रेक अभी तो करने की कोई चांसेस नहीं है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे गिर सकता है 0.18 तक गिर सकता है दोस्तों XRP का। अब फाइनली दोस्तों LTC का, ठीक है, LTC के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया हुआ था कि 57.7 को क्रॉस करते आपको बाय करना है, और उसके बाद जो टारगेट था हमारा $71 का था। आई होप कि आपने बाय कर लिया होगा दोस्तों, उस टाइम पे मैंने 2-3 वीडियो में आप सभी से कहा था। उसके बाद मैंने 60 पर भी कहा इससे ऊपर जाते बाय कर लीजिए, और 71 का टारगेट था। उसके बाद दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 71-72 को ब्रेक करते हमारा जो टारगेट रहेगा वो $81 का रहेगा। आप हमारे ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पर आ सकते हैं दोस्तों, नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारे चार्ट मिल जाएंगे जो भी मैंने वहाँ पर बनाया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर अभी के लिए 72 का रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों ये, ठीक है, 71-72 का रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा फाइनली टारगेट रहेगा $82 का, मैंने $81 का पहले रखा हुआ था, आप देख सकते हैं चार्ट, ठीक है। बस दोस्तों यही है, आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो है बिटकॉइन का रेट फाइनली कितना जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक न्यूज है, ठीक है, कल की है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि 10,000 तक इस साल के एंड तक जा सकता है दोस्तों बिटकॉइन का रेट। अभी क्यों जाएगा उस चीज़ को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। और दोस्तों रिपल का जो है 500 तक जा सकता है यहाँ पर कहा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों डेस्कॉइन का रेट बहुत ही अच्छा गया है, मैंने आप सभी को पहले बता दिया था। ये देखिए हमारे हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर आइए और ये न्यूज़ पर क्लिक कीजिए। और दोस्तों ये मैंने न्यूज 14 तारीख को डाल दिया था, आज 23 तारीख है, और यहाँ पर मैंने बताया हुआ था कि डेस्कॉइन के ऊपर 12.2.1 का जो है एक वर्जन अपडेट हुआ है, और यहाँ पर जो अपडेट हुआ है उनकी सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर डाल दी थी, ये जो अपडेट हुआ है। और मैंने बताया था कि अब डेस्कॉइन का रेट अच्छा जा सकता है, आई होप कि आपने देख लिया होगा ये सब दोस्तों। यहाँ पर मैंने कहा था कि अपग्रेड की प्लानिंग चल रही, अब 14 तारीख को प्लानिंग चल रही थी दोस्तों, उसके बाद अपग्रेड हो गया, ठीक है, मैंने बताया था आप सभी को। अब जैसे अपग्रेड हुआ उसके बाद दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर जो था दोस्तों एटलीस्ट बहुत ही कम था, अभी जो है बहुत ही अच्छा गया दोस्तों, लगभग $580 गया इसका प्राइस, $300 समथिंग था इसका प्राइस, और इतना ज्यादा अप गया है 2-3 दिनों में। और आई होप कि आपने ये सब न्यूज देख ली होगी। ये देखिए $570 तक गया है, मैंने कहा था कि 2 MB ब्लॉक अपग्रेड जो है किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आपको न्यूज को देख लेनी चाहिए दोस्तों, जो भी अच्छी अच्छी न्यूज होती है। अब न्यूज आते ही रेट अब ऊपर नहीं जाता दोस्तों, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, ठीक है, उसके बाद ऊपर जाता है। और दोस्तों अब बिटकॉइन की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों बिटकॉइन की जो एक हमेशा एक काम कीजिए दोस्तों, एक तो बिटकॉइन जो है मदर करेंसी है, आप सभी को बताएं दोस्तों इसका रेट तो अब जाएगा ही जाएगा। और दूसरा इसमें चांसेस क्या है कि देखिए मैक्सिमम सप्लाई कितनी है 21 है, और अभी की जो सप्लाई हो मतलब माइन हो चुका है जो बिटकॉइन वो है 16, लगभग 16.5 तक मिलियन में है, ठीक है। तो अब क्या है, कम बिटकॉइन बच चुके हैं दोस्तों, मैक्सिमम इतने, इसके बाद माइन नहीं होगा बिटकॉइन, तो मैक्सिमम इतने हो चुके हैं माइन। अब जो माइन हो रहे बिटकॉइन अगर ये खत्म हो गए, जितने कम बच जाएंगे क्वांटिटी जितनी कम होगी बिटकॉइन की उतना ही रेट जंप करेगा दोस्तों। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में बिटकॉइन का रेट बहुत ही अप गया है, बहुत सारी करेंसी आ रही है दोस्तों, इसलिए बिटकॉइन को बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन गोल्ड अलग अलग किया जा रहा है ताकि लोग इधर उधर जाए बिटकॉइन को कम माइन करे। तो यहाँ पर जो दोस्तों बिटकॉइन ज़्यादा माइन हो रहा है, और जितना ज़्यादा होगा बिटकॉइन उतना ही रेट चला जाएगा दोस्तों। अब मैक्सिमम सप्लाई 21 है, लगभग 16.5 अभी तक हो मतलब मार्केट में है क्या जो माइन हो चुका है, तो अब कम बिटकॉइन बचे हैं दोस्तों। अब जितने कम बिटकॉइन होंगे उतना ही ज़्यादा रेट जाएगा। अभी अप डाउन होगा दोस्तों नीचे ऊपर, लेकिन इस साल के एंड तक ज़्यादातर चांसेस है कि 9,000 से लेकर 10,000 या 11,000 तक रेट जाए दोस्तों, ठीक है, बहुत ही अच्छा रहेगा हम सभी के लिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। अभी के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, बाय।